नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में और मेरे स्टूडियो में, जो कि मेरे एक मेडिकल स्टोर भी है। तो दोस्तों, आज अनबॉक्सिंग होने जा रही है। रात का टाइम है, रात को अनबॉक्सिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ और वो भी रात के टाइम में। तो जैसे कि दोस्तों, जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उनको पता ही है कि मैंने आईफोन 14 लिया था पिछले साल अपने बर्थडे पे 16 सितंबर को। तो इस साल मेरा बर्थडे निकल गया, मैं कुछ ले नहीं पाया, तो थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं। आपको पता ही है आईफोन 15 प्रो मैक्स आ चुका है। मैंने भी सोचा था मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स लूँ, लेकिन टेक बर्नर और अदर जो भी इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी, तो उसमें मेरे को पता चला कि जो 15 प्रो मैक्स है उसमें टाइटेनियम की बॉडी नहीं है, टाइटेनियम की सिर्फ कोटिंग है। क्योंकि जब वो क्लिप लगाया, टेक बर्नर की मैंने एक वीडियो देखी, तो उन्होंने जरा क्लिप लगाया, तो जैसे क्लिप रिमूव किया उन्होंने, तो जो टाइटेनियम की जो बॉडी थी ना बैक साइड की, उसमें निशान पड़ गया। तो मतलब वैसे ही रिमूव हो गई ऊपर की बॉडी। और मैंने फॉरनर्स की वीडियोस देखी, तो उसमें सब ने बताया कि एक तो हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है 15 प्रो मैक्स में, और साथ में जो बिल्ड क्वालिटी वो बिल्कुल ही जीरो है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ड्रॉप टेस्ट लेने से पहले मैं बोलूँगा आपको, आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप धोखा ना खाएं। मैं तो बच गया, आप भी। तब ये निशान आ गया और हमने कुछ किया ही नहीं ज्यादा। दूसरे साथ बीरोल ले, तो क्या करा बताना भैया। हमने ऐसे यहाँ पे बीरोल से लेते हैं रात को कि वीडियो जानी है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, मतलब हल्का सा इसे टाइट करना है, एंड बस ऐसे इससे फोन खड़ा हो जाता है। एंड इसपे जब निकाला ना, तो देखा कि यार कि इसका जो प्योर टाइटेनियम वाली फील होती है ना, वो वाली निकलनी शुरू हो गई। ये सिर्फ शायद कोटिंग ही है ऊपर से, तो वो निकल के आ रही है। यहाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है 14 प्रो, जो कि मेरे दोस्त बॉबी भाई का है 14 प्रो, इन्होंने ब्लैक कलर में लिया हुआ है, और ये सैमसंग का, और ये मेरा रेडमी नोट 7 प्रो है 14 प्रो मैक्स, और ये है 128 GB वेरियंट वाला। दोस्तों, आईफोन 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स के मैंने कई कंपैरिजन वीडियोस देखे, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। 5x जूमिंग है उसमें, टाइटेनियम की बॉडी है, सी पोर्ट की चार्जिंग दी हुई है। पर जब मैंने ड्रॉप टेस्ट देखे, तो मेरा भी ड्रॉप हो गया आइडिया कि मैंने 15 प्रो मैक्स नहीं लेना। इस जो 14 प्रो मैक्स है 128 GB वेरियंट जो है, जब ये लॉन्च हुआ था तो 1,50,000 का था, और इस टाइम मेरे को ये पड़ा हुआ है 1,30,000 का। और मैंने लिया है BS कम्युनिकेशन से, बुट्टी में है BS कम्युनिकेशन। आप चाहें तो वहाँ से जाके कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, सैमसंग, आईफोन, रियलमी। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये पेड पार्टनरशिप नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपने मेरे थाईलैंड की वीडियो देखी होगी, तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो भी हैं वहीं से लेता हूँ, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सही रेट देते हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि मार्केट से काफ़ी कम रेट में मिल जाती है वहाँ पे सभी चीज़ें। सबसे तगड़ी फीलिंग है दोस्तों यही वाली, चिपियाँ दोनों उतर चुकी हैं। वाओ, 14 प्रो मैक्स फ्रेंड्स, इसमें कलर जो आए हुए हैं एक ही कलर है जो है पर्पल है। मैं आपको बता दूं, मेरा वाला कलर पर्पल है। एक इसमें स्पेस ब्लैक है, जो कि जैसे इन्होंने बॉबी भाई ने अपने पास रखा है, ये है इनका 14 प्रो, पर दूसरा कलर ये है इसमें 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में, इसको स्पेस ब्लैक है इनका कलर, और एक कलर है गोल्डन और एक वाइट है, सिर्फ चार ही कलर है। तो दोस्तों, पर्पल कलर में 14 प्रो मैक्स आपके भाई के हाथ में, इसको भी साइड रख देता हूँ। ये आपको पता ही, इसके अंदर स्टिकर स्टुकर है बस, और कुछ नहीं, एक पिन है, और यहाँ पे एक स्टिकर है वाइट कलर में ही होता है जो, और यहाँ पे चार्जिंग केबल, ये सी पोर्ट नहीं क्योंकि 14 प्रो मैक्स है। ठीक है, अब आपको फोन दिखाया जाए, तो चलो इसको भी अनवील किया जाए। पर चलो अब इसको ऑन करते हैं। एप्पल का लोगो, हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसको अप किया जाए, लैंग्वेज इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, तो पिछले कल आपको पता ही है मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी आईफोन 14 प्रो मैक्स की, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया कुछ ही कारणों से, तो उसके आगे की वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। टी शर्ट चेंज कर दी, इसलिए आपको बताना पड़ा कि अगले दिन शूट हो रही है आगे वीडियो।
तो दोस्तों मैंने टेम्पर्ड ग्लास डलवा लिया 14 प्रो मैक्स में, और इसमें मैंने बैक कवर भी लगवा लिया है जो कि इस तरह से है, और साथ में मैंने इसमें जो कैमरे के प्रोटेक्टर हैं वो भी लगवा लिए हैं। ये तीनों चीज़ें आप मैंने लगवाई हैं बीएस कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों मैं आपको दो बातें बताऊंगा, जो टेक बर्नर की मैंने आपको बताई थी क्लिप वाली वीडियो तो मैंने इसमें डाल दी, आपने देख ली होगी, और जो मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेज आईफोन 15 प्रो मैक्स का ड्रॉप टेस्ट बता रहा था जो एक फॉरनर ने किया वो भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जाके ना, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा, उसी उसके बाद ही फैसला लीजिएगा कि आपने 14 प्रो मैक्स लेना है या 15 प्रो मैक्स लेना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।